गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस राजस्थान राइड। तो आज हम जा रहे हैं जैसलमेर के और कुछ दो तीन पॉइंट और जा रहे हैं सम डेजर्ट। हमारा जीप सफारी, जैसे मैंने कहा था लास्ट एपिसोड में कि कुछ चीज़ें रह गई है, तो वो थी जीप सफारी, कैमल राइड। अब इतना डेजर्ट एरिया में, राजस्थान के रेगिस्तान एरिया में आए हैं और वो कैमल सफारी का, जीप सफारी का अगर इंजॉयमेंट ना हो तो फिर उसके बिना तो मतलब ऐसा लगेगा कि घुमा ही नहीं राजस्थान। ये जो कल्चर है एंजॉय करने लायक है। तो आज हम थोड़ा सा प्लान में जो चेंज किया जोधपुर में, ठीक है, मैं ये सारा आपको प्लान ऑन द वे बताता हूँ, ठीक है। तो अभी बस सब रेडी हो गए, हमने चेकआउट कर लिया, थोड़ा बहुत लोगों का सामान लगना बाकी है, बस थोड़ी देर में निकलते हैं और मैं आपको हाईवे पे मिलता हूँ, बताता हूँ प्लान में क्या चेंज हुआ, क्या बनाया था और अभी क्या नया बनाया है, ठीक है, मिलते हैं। ये है हमारे नीलू भाऊ, द फैब्रिकेटर किंग, फैब्रिकेशन के बिजनेस के किंग। थैंक्स भैया। चलो भैया मिलते हैं। चलो, आपने बहुत मदद करी हमारी, ठीक है, कभी वापस आया तो मिलता हूँ आपसे। हमें मेरा चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है, आपके यहाँ पे आता हूँ फिर। चलो, तो बस निकल गए नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन के लिए, बड़ा बाग। पहले पेट्रोल भराते हैं और फिर चलते हैं। सो लास्ट टाइम जैसलमेर फोर्ट का नज़ारा जाते जाते, अभी भी जैसे बोला गया ना कि ये लिविंग फोर्ट है, वन एंड ओनली इन इंडिया, तो दिख रहे हैं कि अंदर घर बने हुए हैं, छत पे टंकियां लगी हुई है, देखो वो वहाँ पे अंदर 5000 का पॉपुलेशन है, 400 to 500 फैमिलीज रहती है। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी सम, फिर जाएंगे जोधपुर। तुम कहाँ पे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, माय नेम इज प्रकाश। ओह, योर नेम इज प्रकाश, योर? ओ, मेरा नाम कीर्तिराज। सब ये हम आ गए हैं बड़ा बाग और यहाँ पे है 100 rupees। तो दूर से देखो बड़ा बाग ऐसा है, वही व्यास छतरी जैसा, पर हमको लगा व्यास छतरी होगा, बट ये तो उससे भी बड़ा है। हम यहाँ पे पहले आ जाते अच्छा रहता। सो जैसे व्यास छतरी थी, यहाँ पे उससे ज़्यादा नंबर ऑफ छतरियाँ है, ठीक है, वही कार्विंग में कुछ टेंपल भी है, वो बहुत छोटा था। यहाँ पे छतरियाँ बनी है फिर, और ऊपर हिल पे भी है, तो अपन सब कवर कर लेंगे फटाफट, फिर निकलना है दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो है कोई राजा महाराजा या कोई बहुत बड़ा कोई अगर ऑफ हो गया तो उसकी समाधि के ऊपर या समाधि के रूप में ये छतरी बनाते हैं, ऐसा कुछ है। Bye.
कलर से बनाए हैं यहाँ पे, और ऊपर भी है, सब वैसे ही है। और अंदर भगवान की मूर्तियाँ रखी है, जैसे ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आजू बाजू में खाली पड़ा है, वहाँ पे कुछ वाटर हार्वेस्टिंग टाइप कुछ है, वहाँ पे एक मंदिर है। गाइड मिल जाएंगे आपको अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो नाउ फाइनली वी आर इन कुलधारा अबेंडेड विलेज, एक पुरातात्विक स्थल, एन आर्कोलॉजिकल साइट। अंदर जाता है गाड़ी अंदर? अरे सुबह आने के बाद लेते ना। कंट्रोल कंट्रोल, ए चलो। मैं हूँ, बोले कितना करना है। सो अभी हम कुलधारा विलेज के अंदर है, 2 किलोमीटर तक गाड़ी जाता है, 50 रुपीज़ व्हीकल फीस है। और ये देखो फॉसिल वाले ग्लास यहाँ पे भी है, और ये ब्लॉक वाला रोड बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अगर 2 किलोमीटर ऐसा ही रोड होगा तो बहुत भयंकर है फिर तो। सो यहाँ पे एंट्री होते ही प्रोटोटाइप घर बनाए हैं, जो उस ज़माने में था कैसे थे उस टाइप के प्रोटोटाइप बनाए। फिर इसके आगे जो एक्चुअल विलेज था जो रातों रात अबंडन हुआ, ये देखो ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पे भी कुछ है, ये मंदिर है। तो उस प्रोटोटाइप के पीछे ये विलेज है, मतलब ऑलमोस्ट सारे घर ऐसे ही रहते थे, ये इंटरलॉक पत्थर लगा के। और जो रातों रात खाली हो गया, पालीवाल ब्राह्मण लोग यहाँ पे रहते थे, उनका ही पूरा पॉपुलेशन था यहाँ पे। और कुछ तो भी ऐसा हुआ, किसी राजा की डिमांड पे कुछ हुआ, और रातों रात ये गांव छोड़ के पालीवाल ब्राह्मण लोग चले गए। कुछ कुछ जगह पे मेंटेन कर रहे हैं और कुछ कुछ जगह को वैसे ही छोड़ा है वो हेरिटेज लुक के लिए। तो वैसे ही एक घर में आए हम, थोड़ा सा मेंटेन किया है इसको, बट हमारे को टूरिस्ट लोग ऐसे रहते हैं जो इस तरह से नाम वाम लिख के चले जाते हैं। तो शायद से ये घर का आंगन होगा और यहाँ पे रूम्स है। दरवाजे देखो कितने, वो कितना छोटा दरवाज़ा, ये कितना बड़ा। और अंदर एक रूम है बस। ये
तो यहाँ पे देखो उसकी हिस्ट्री दी गई है, मंत्री सलीम सिंह, सलीम सिंह इसको किसी ने स्पेशली, एक मिनिस्टर थे जिन्होंने, जिसकी वजह से ये सब हुआ। द विलेज रिमेन अबेंडेंट सिंस द अर्ली ऑफ 19th century। ये उसका मैप है, भूकंप और सूखे की वजह से कारण से छुआ। ये कि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सिंह के इधर से निकल के आता है वो। अरे यार अभी रह गया 20 किलोमीटर, देख सकते हो ऊपर आप, मतलब जो हमारा जो कैंप साइट है वो रहा है 21 किलोमीटर। अभी मैप में जो दिखा रहा है तो बस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो हम लोग पहुंच गए हमारे कैंप साइट पे, विनायक डेजर्ट कैंप। तो ये है आज का हमारा कैंप साइट, ठीक है। अभी तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा, हमारे तीन वहाँ पे टेंट है 18, 19, 20। और यहाँ पे कल्चरल डांस एक्टिविटीज़ और गाना बजाना होगा, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं जीप सफारी के लिए इन असम सैंड ड्यून्स। तो जो भी इसके बाद का फन रहेगा वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। टिल देन हैव अ नाइस राइड ऑलवेज, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। एक्चुअली जस्ट आई एम जस्ट रेडी फॉर दैट, मैं अभी जा ही रहा हूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो दैट्स वाई इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको वो सब चीज़ें बताता हूँ। तो चलो बाय बाय।